Hello everyone. In this video, I am going to discuss the next topic, that is the corrosion. Actually, what is the corrosion? Let us discuss the definition of corrosion. Deterioration of metal surface. Deterioration of metal surface due to action of air and water surrounding it. कोई भी मेटल सर्फेस के सराउंडिंग में मॉइस्चर की अमाउंट ज़्यादा है ना, ठीक है, और वो क्या है बेटा, कोरोड हो जाता है। कोरोड का मतलब समझ रहे हो ना, उसको जंग लग जाती है, ठीक है, और वो अपना लस्टर है जो उसका शाइनी सरफेस है, सुंदरता को खो देता है, ठीक है, और उसकी जो है उसको कोरोजन हो जाता है। क्या हो जाता है? कोरोजन। और ये आपने बड़े देखे हुए हैं, चांदी काली पड़ जाती है, कॉपर ग्रीन पड़ जाता है ना, ठीक है, तो अलग अलग कलर भी वैसे डेवलप करते हैं फिर अपनी शक्ल के हिसाब से, ठीक है, तो ये कोरोजन कहलाता है, ठीक है। कोरोजन की बात आती है, ठीक है, तो सबसे पहले सबके दिमाग में एक ही चीज आ जाती है ना, और वो क्या है बेटा, वो है आयरन, ठीक है। जो आयरन का जो कोरोजन है, किसका कोरोजन बेटा, कोरोजन ऑफ आयरन, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, अगर आपको ध्यान में हो तो रस्टिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, अपन उसको रस्टिंग के नाम से जानते हैं। आयरन का जो कोरोजन है अपन उसको रस्टिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और रस्ट का फॉर्मूला हमें सबको आता है, क्योंकि क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर में मास्टर जी हमें यही रटवाते हैं, ठीक है, और ये कह देते हैं, डिटेल जी बाद में हायर क्लासेज में डिस्कस करेंगे। तो रस्ट का फॉर्मूला भी हमें पता है, ठीक है, रस्ट का फॉर्मूला क्या है, हमें रस्ट का फॉर्मूला भी पता है। रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O, ठीक है। नाउ आई हैव टू डिस्कस हाउ दिस फॉर्मूला इज ऑब्टेन्ड बाय मीनिंग ऑफ द ऑब्टेनिंग ऑफ द फॉर्मूला आई मीन टू से दैट How iron gets rusted, and whenever in any chemical reaction we say how this reaction happens, we will have to take the mechanism of the reaction, means we have to discuss the mechanism of this process. By discussing the detailed mechanism of this process, we will come to know about the formation of Fe2O3.XH2O. Fe2O3.XH2O. Let us discuss the detailed mechanism of this. Chal. Mechanism of rusting of iron. कैसे होगा मैकेनिज्म बेटा? ये सेटअप इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप की तरह ही काम करता है। दो चीज़ों को हाईलाइट कर लेना, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहले तो जो इन्वायरमेंट है या सराउंडिंग है, क्या है बेटा, जो सराउंडिंग है, ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बेटा, ठीक है, जो वाटर प्रेजेंट है ना बेटा, वाटर वेपर की फॉर्म में है ना, या लिक्विड फॉर्म में या वाटर वेपर की फॉर्म में, वो सराउंडिंग में पड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाए, ठीक है, और बना जाए, क्या बनेगा इन दोनों को मिक्स करके, H2CO3। क्या बनेगा इन दोनों को मिक्स करके बेटा? H2CO3। दिस H2CO3 may behave as electrolyte, even this H2CO3 usually behave as electrolyte, this H positive
will help in the reduction process. We will discuss how this H positive. Now H positive can be come from other thing also, such as water. Water is also present. Water will weakly dissociate. It will form two H positive plus OH negative. Means H positive can come from two processes, either from the dissociation of the carbonic acid and or from the dissociation of water, or from the dissociation of water. Actually, generally we discuss about the carbonic acid as electrolyte in case of rusting. Actually, this is not a man-made cell, na? This electrolyte forms by itself during the reaction. अगर अपन बात करते हैं ड्राई सेल की तो इलेक्ट्रोलाइट अपन डालते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी से एच पॉजिटिव जनरेट हो सकता है, वाटर की डिसोसिएशन से भी हो सकता है और किससे बेटा, आपका कार्बोनिक एसिड से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अपन ज़्यादातर इसका डिस्कशन कर लेते हैं बेटा कार्बोनिक एसिड का, ठीक है। अब बोल के थोड़ी बताएगा वो मैं कार्बोनिक एसिड से निकल रहा हूँ, जो सेल अपन ने खुद ने तैयार किया है उसका तो अपन को पता लग जाता है भाई, इसका कैसे पता लगेगा, है ना, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, या तो इस यहाँ से एच पॉजिटिव आ सकता है, अरे यहाँ ये क्या है बेटा, यहाँ से एच पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लेना। अगर आपको पूछे कि जनरल इलेक्ट्रोलाइट करोजन के टाइम कौन सा होता है, तो वो होता है बेटा कार्बोनिक एसिड। कौन सा होता है? कार्बोनिक एसिड। नाउ आगे डिस्कस करते हैं एनोड पे रिएक्शन क्या होती है और कैथोड पे रिएक्शन क्या होती है। चलो क्या बेटा, एनोड पे रिएक्शन क्या होती है एंड कैथोड पे रिएक्शन क्या होती है। अब एट एनोड क्या होता है, एनोड के ऊपर जो आपका आयरन है, आयरन पता है ना कौन सा है, ठीक है, जो आपका आयरन है, ठीक है, मैं इसको इरेज करके, क्योंकि ये रिएक्शंस ज़्यादा हैं थोड़े, एट एनोड जो आपका आयरन है वो कन्वर्ट हो जाता है Fe2 पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। कि आयरन कहाँ से आया, जिसकी जंग लग रही है वो तो आयरन का बना है ना, ठीक है। तो आयरन की खुद की क्या हुई, ऑक्सीडेशन। याद है क्लास 10th में मैंने क्या कहा था, आपको याद हो तो, सम डेली डे टू डे लाइफ ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द ऑक्सीडेशन। तो आयरन की हुई क्या बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या हुई? ऑक्सीडेशन। आयरन की हो गई ऑक्सीडेशन, हो गई, ठीक है। तो इसकी अगर हम SRP वैल्यू की बात करें, ई नॉट, ठीक है, आयरन टू पॉजिटिव आयरन की जो SRP वैल्यू आती है वो आती है -0.44 वोल्ट। कितनी आती है बेटा? -0.44 वोल्ट, ठीक है। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जाने के लिए कौन है? कैथोड पे जाने के लिए H पॉजिटिव है। कौन है? H पॉजिटिव है। ये कहाँ से आया? ये H पॉजिटिव वाटर से भी आ सकता है, कार्बोनिक एसिड से भी आ सकता है। यही मैंने इसलिए आपको सेपरेटली पहले बता दिया था, ठीक है, ज़रूरी नहीं है डिस्कस करना उसके बारे में, इसलिए मैंने बता दिया था ये जो H पॉजिटिव है वाटर से भी आ सकता है और कार्बोनिक एसिड से भी आ सकता है। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब उसने दो इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। एक को तो एक चाहिए, ठीक है, तो ये भी आप कितने ले लो, ये भी आप दो ले लो। कितने ले लो बेटा? दो ले लो। जैसे ही आपने ये दो लिए, ठीक है, आपके पास हाइड्रोजन कितने बन गए? 2 हाइड्रोजन बन गए, ठीक है। अब कोई कहेगा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बेटा इसको काटना ही है अपन को, ठीक है। तो ऐसे भी कट जाएगा, H2 की फॉर्म में भी कट जाएगा, तो जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है। तो ये जो दो हाइड्रोजन है, ठीक है, कहते जी हम तो वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे, और वाटर बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो सराउंडिंग में से ऑक्सीजन को ये हाइड्रोजन क्या करते हैं बेटा? गेन करते हैं। क्या करते हैं? गेन करते हैं, और क्या बना जाते हैं? ये बनाते हैं वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? वाटर बनाते हैं, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन भाई साहब कहते हैं मैं तो बैलेंस ही नहीं हूँ, मेरे को बैलेंस कर लो ले, ठीक है। तो इसको बैलेंस करते हैं, कलोना वाइल अच्छे, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन रोने लग गया, मेरे को बैलेंस करो रे, तो इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब नेट रिएक्शन लिखनी है कि थोड़े पे मर गए,
क्यों? क्योंकि नेट रिएक्शन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, अपन को नेट रिएक्शन लिखनी है कैथोड की। ये नेट रिएक्शन एनोड प्लस कैथोड की नहीं है, सिर्फ कैथोड की है। बुक में देखोगे तो सिंगल स्टेप में लिखी हुई है, उस सिंगल स्टेप को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आपको वो बुक वाली रिएक्शन रटनी ना पड़े। अदरवाइज़ वो रिएक्शन रटनी पड़ती है बेटा, ठीक है? अदरवाइज़ वो रिएक्शन रटनी पड़ती है, तो मैंने रिएक्शन को थोड़ा सिंपल कर दिया, ठीक है? तो अब ये क्या है, ठीक है? ये दो हाइड्रोजन आ गए, ये फोर हाइड्रोजन आ गए, ठीक है? अब क्या करें, ठीक है? अब क्या इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को काटना है, ठीक है? काटना है तो इस कोलोना वायलस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोलोना वायलस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही कोलोना वायलस को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 4H पॉजिटिव हुआ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हुए, ये दे गए 4 हाइड्रोजन दे गए, ठीक है बेटा? ठीक है, तो मैं ऊपर ही इसको चेंज कर देता हूँ ताकि मेरे को बार बार, तो हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 4H पॉजिटिव हो गए, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, ठीक है जी। और हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए बेटा 4 हो गए, कितने हो गए 4 हो गए। जैसे ही ये हुआ तो इस क्रॉस इंटू 2 को मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है? अब क्या करो, कैथोड पे नेट रिएक्शन लिख दो। क्या लिख दो, कैथोड पे नेट रिएक्शन लिख दो। तो कैथोड पे नेट रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे नेट रिएक्शन क्या होगी, इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन को कैंसिल आउट कर दो। क्या कर दो बेटा, इन हाइड्रोजन से उन हाइड्रोजन को कैंसिल आउट कर दो, ठीक है? बनेगा क्या, 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 gives 2H2O gives 2H2O। जी ये रिएक्शन होती है, ठीक है जी, ये रिएक्शन होती है। और इसके लिए जो E0 वैल्यू है, ठीक है, वो कितने, आई थिंक 1.23 वोल्ट, कितनी है बेटा 1.23 वोल्ट। तो ये रिएक्शन कहाँ पे हो गई, कैथोड पे। ये कहाँ पे हो गई, एनोड पे। कहाँ पे हो गई, एनोड पे। कैथोड पे रिएक्शन मिल गई, एनोड पे रिएक्शन मिल गई। अब क्या कर दें, नेट रिएक्शन लिख लें। क्या कर दें बेटा, नेट रिएक्शन लिख लें। तो चलो लिखते हैं कौन सी रिएक्शन बेटा, नेट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन लिखते हैं, नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन कहाँ पे, कैथोड एज वेल एज एनोड पे। सॉरी सारा इरेज कर दिया ना मैंने, ठीक है? तो क्या था, Fe माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Fe 2 पॉजिटिव, यही थी, ठीक है? Fe माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Fe 2 पॉजिटिव, ठीक है? और दूसरी साइड कौन सी रिएक्शन थी, आई थिंक 4H पॉजिटिव था, ठीक है? 4 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है? और क्या था बेटा, ऑक्सीजन थे। अब कितने ऑक्सीजन थे, ये रिएक्शन थी, है ना, ठीक है? तो इसका ई नोट वैल्यू कितना था, -0.44 वोल्ट, ठीक है? और इसका ई नोट वैल्यू कितना था, 1.23 वोल्ट, ठीक है? तो इसको अब क्या कर दो, ऐड ऑन। ऐड ऑन करने से पहले एक चीज़ को ऑब्जर्व करो बेटा जी, वो क्या है, ठीक है, ध्यान से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 हैं, कितने हैं बेटा 4 हैं, ठीक है? और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है? तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी आप इस तरह हाफ रिएक्शन को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो तो याद रखना, कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मल्टीप्लाई नहीं होता, कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है? तो अभी ये रिएक्शन क्या बन गई, 2Fe माइनस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Fe 2 पॉजिटिव। क्या बेटा, 2Fe 2 पॉजिटिव, 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 गिव्स 2H2O गिव्स 2H2O। तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ से ये कच 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 कच, ठीक है? E नॉट वैल्यूज वैसे की वैसे ही। जब भी आप किसी हाफ रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करती हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको आपने कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना, ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है? तो ये है 2Fe प्लस
4H पॉजिटिव, क्या बेटा 4H पॉजिटिव प्लस O2 गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव प्लस यहाँ पे क्या वाटर आए, हाँ टू वाटर। EMF ऑफ सेल कितना आएगा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हो गया ठीक है, अब EMF ऑफ सेल कितना आएगा, E कैथोड माइनस E एनोड, EMF ऑफ सेल क्या आएगा, E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड, माइनस E नोट एनोड, तो कैसे निकलेगा, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, तो कितना आ जाएगा 1.67 वोल्ट, कितना आ जाएगा बेटा 1.67 वोल्ट, एक सेल की तरह ये डेवलप हुआ ठीक है, और ये कितना आ गया बेटा 1.67 वोल्ट, कितना आ चुका है ये 1.67 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा, यहाँ पे अब बना है Fe2 पॉजिटिव, क्या बना है Fe2 पॉजिटिव, अगर आपको रस्ट का फॉर्मूला ध्यान में हो ठीक है, वो होता है Fe2O3, क्या होता है बेटा वो Fe2O3। अब ये जो Fe2O3 है ठीक है, ये कैसे बनेगा, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब ये जो Fe2O3 है ना बेटा, ये कैसे बनेगा, ये क्या है बेटा, कैसे बनेगा ठीक है, क्यों कैसे क्यों बनेगा, क्या हो गया ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें Fe3 पॉजिटिव में है, अभी तक हमने ऑक्सीडाइज किया है, वो किया है Fe2 पॉजिटिव तक, कहाँ तक किया है बेटा Fe2 पॉजिटिव तक किया है, हमें कन्वर्ट करना है इसको कहाँ तक बेटा Fe3 पॉजिटिव तक ठीक है। रस्ट का फॉर्मूला, रस्ट में तो क्या है Fe3 पॉजिटिव, मैंने तो नेट रिएक्शन लिख दी ठीक है, अब ये Fe2 पॉजिटिव, बुक में एक लाइन सीधी लिखी हुई है कि Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज होकर Fe3 पॉजिटिव बना लेता है, दैट्स इट, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, वहाँ पे सीधा लिख रखा है ये Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है और क्या बन जाता है Fe3 पॉजिटिव, होता कैसे है वो देखते हैं, इधर दो ध्यान, हाँ तो जो ये Fe2 पॉजिटिव है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बना लेता है Fe2O3, क्या बना लेता है बेटा Fe2O3, किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा ऑक्सीजन, और सराउंडिंग में क्या पड़ा हुआ है वाटर पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है बेटा वाटर पड़ा हुआ है। अब इस रिएक्शन के ऑक्सीजन और आयरन को मेरे को एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना है ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ बेटा यहाँ पे टू लगाता हूँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा, क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा ठीक है, तो फोर आ गया एट पॉजिटिव चार्ज ठीक है, अगर एट पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो इधर कितना चार्ज लग जाएगा, एट पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, कितना लग जाएगा बेटा एट पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे क्या लगता है बेटा एट पॉजिटिव चार्ज ठीक है, तो हाइड्रोजन मेरे को करने पड़ेंगे यहाँ पे फोर से मल्टीप्लाई ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई ठीक है। अब ये जो Fe2O3 है कौन है बेटा Fe2O3, ठीक है ये क्या करता है सराउंडिंग में से वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और बना लेता है Fe2O3.xH2.xH2O, ये रहता है बेटा आपका रस्ट का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला रस्ट का फॉर्मूला। एक बात ध्यान रखना बेटा, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होते हैं ना बेटा, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे रस्टिंग या करोजन ज़्यादा रहता है, वहाँ पे रस्टिंग या करोजन क्या रहता है बेटा ज़्यादा रहता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होते हैं ना बेटा वहाँ पे रस्टिंग या करोजन क्या है बेटा लार्ज स्केल पे होता है ठीक है, लार्ज स्केल पे होता है, इसलिए जो अपना डिस्टिल्ड वाटर है उसमें रस्टिंग या करोजन का चांसेस बहुत कम होता है, जो आपका नॉर्मल टैप वाटर है उसमें ज़्यादा रहता है ठीक है। और जो सेकेंडली है बेटा मेटल, जितना ज़्यादा रिएक्टिव है उतना ही ज़्यादा उसका क्या होता है करोजन होता है,
जितना ज़्यादा मेटल रिएक्टिव है, और मेटल की रिएक्टिविटी का पता इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कैसे लगता है बेटा? ठीक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। मेटल की प्रॉपर्टी क्या है बेटा? वो ऑक्सीडाइज होगा, वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर उसकी SRP वैल्यू कम आ रही है तो वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वो क्या है बेटा? ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है, कि मेटल किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है उसका। बट हमारे जो हमने डिस्कस करना है, ठीक है, कोरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, कुछ एक तरीके तो आपको पता ही हैं। पहला आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है बेटा? पेंट कर दो, ग्रीस कर दो, है ना, करते ही हैं, नॉर्मल है, ठीक है। तो वो कौन सा मेथड होता है? बैरियर मेथड। जो दूसरा मेथड आता है वो होती है बेटा सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल का मतलब कुर्बानी देनी है। क्या देनी है? कुर्बानी देनी है। गैल्वनाइजेशन सुना है ना, मेटल के ऊपर जिंक की कवरिंग कर देते हैं। क्यों? जिंक पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पहले ऑक्सीडेशन शो कर जाएगा। जिंक क्या करेगा बेटा? पहले ऑक्सीडेशन शो कर जाएगा, एज़ कम्पेयर टू व्हाट? एज़ कम्पेयर टू आयरन, ठीक है। तो उसकी ऊपर वाली कवरिंग है जो, उसको किसकी कर दो बेटा? जिंक की कर दो। गैल्वनाइजेशन क्या होता है? आयरन के ऊपर जिंक की कवरिंग कर देना। किसकी कवरिंग? जिंक की, क्योंकि जिंक प्रेफरेंशियली जो आयरन के क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। तो जो है करोड़ कौन होगा बेटा? जिंक होगा। कौन होगा बेटा? जिंक होगा। इस तरह आयरन के ऊपर टिन की कवरिंग भी की जाती है। किसकी कवरिंग की जाती है बेटा? टिन की। थर्ड जो मेथड है बेटा वो है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में क्या होता है बेटा? अंडरग्राउंड पाइप्स वगैरह होती है ना, ठीक है, पानी के अंदर जो पाइपिंग की होती है, ठीक है, तो वहाँ क्या किया जाता है बेटा? वायर के जरिए एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ब्लॉक लिया जाता है, ठीक है। जैसे आयरन की पाइप है, आयरन से मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, पानी के अंदर है, पानी के अंदर है तो करोड़ होने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। उसके कनेक्शन किसके साथ कर दो बेटा? आपका मैग्नीशियम के साथ। अब मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इन कंपैरिजन टू आयरन, ठीक है। आयरन बिहेव कर जाएगा एज ए कैथोड और मैग्नीशियम बिहेव कर जाएगा एज एनोड। मैग्नीशियम बिहेव कर जाएगा बेटा एज एनोड। तो मैग्नीशियम की कोरोजन हो जाएगा पहले। किसका कोरोजन हो जाएगा बेटा? मैग्नीशियम का कोरोजन हो जाएगा रादर देन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। कौन सा प्रोटेक्शन? इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए इन दोनों में से, तो गैल्वनाइजेशन पे पूछा जाता है और एक और, ठीक है। हमारे पास एंटी रस्ट सोल्यूशन आते हैं। कौन सा सोल्यूशन आते हैं बेटा? एंटी रस्ट सोल्यूशन आते हैं, और वो एंटी रस्ट जो सोल्यूशन है उसमें एक नाम आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि CBSE वालों का यही तो खास बात है, ठीक है। पूछ लेंगे इसका नाम बता दो, ये एक नाम, ठीक है। एंटी रस्ट सोल्यूशन, अल्कालाइन फॉस्फेट, ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं अल्कालाइन फॉस्फेट्स, जो क्या करते हैं बेटा? कोरोजन में एंटी रस्ट हैं, ये कोरोजन को रोकते हैं, रस्टिंग को, एंटी रस्ट सोल्यूशन। तो अल्कालाइन फॉस्फेट, ठीक है। तो एक अल्कालाइन सोडियम फॉस्फेट आता है, अल्कालाइन सोडियम फॉस्फेट आता है, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? वो आयरन के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? आयरन के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।